हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है जिसका नाम है जूनिक हरदीप। चलिए आज हम सीखते हैं एक और नया ऑप्शन, जहाँ पर देख सकते हैं हम टेक्स्ट को जो कहते हैं कॉपी को कैसे कर सकते हैं, हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसको हम पेस्ट कैसे कर सकते हैं। अगर हम इसको टेक्स्ट को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना चाहते हैं, जैसे कि हम कैसे टेक्स्ट को कट कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं, चलिए हम सीखते हैं वीडियो में। हमारे यहाँ पर एमएस वर्ड का फोर्थ वीडियो है, यहाँ पर ये देखिए, आप पिछली वीडियो जो हमने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके आप उसको सीख सकते हैं। और वीडियो लंबा ना हो जाए, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक जरूर करना और शेयर भी करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि टेक्स्ट को हम कॉपी कैसे कर सकते हैं और पेस्ट कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा सिंपल से ऑप्शन होता है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं, जो आप टेक्स्ट जिस टेक्स्ट को भी आप कॉपी करना चाहते हैं, जिसको भी आप कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं, उसको पहले हमने सिलेक्ट कर लेना है। देखिए हमारे जब लिखा हुआ है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड वी कैन यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। मैं इस लाइन को कॉपी करना चाहता हूँ, जस्ट सिर्फ इस लाइन को कॉपी करना चाहता हूँ। मैंने क्या करा, इस लाइन को पहले मैंने क्या करना है, माउस के क्लिक के साथ इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, माउस का राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कॉपी, इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप देखिए, जहां भी आप इस टेक्स्ट के यहाँ पर कॉपी किए हैं, जिस टेक्स्ट को भी, उसको आप कहाँ रखना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ इधर एंटर मार लिया, मैंने यहाँ पर रखना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना है, माउस का क्लिक कर राइट क्लिक करना है। इधर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, इधर लिखा है माउस, इधर पेस्ट, यहाँ पर आपको इधर पेस्ट कर लेना है। देखिए इधर पेस्ट करने के बाद देखिए, हमारी जो पहली लाइन लिखी हुई थी कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो इधर सेम टू सेम कॉपी हो चुकी है। जी देखिए, अगर आप और कुछ मान लीजिए, आप यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट आर द बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर, आप कहते हैं भी ये फर्स्ट में आए, और जो कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑन वी कैन वॉच वीडियोस ऑन कंप्यूटर, ये जो पैराग्राफ है दो लाइन का वो नीचे हो जाए इस क्वेश्चन के, आपको क्या करना है, आपको मैंने पहले इसको अरेंज कर लेने दो, जो मैंने यहाँ इसको कॉपी की है, चलो इसको लगे देते हैं। इसको आप कैसे हम इधर से उठा के और टेक्स्ट को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह कैसे रख सकते हैं, पहले आपको मैंने क्या कहा था, वो जो टेक्स्ट को आप परफॉर्म करना चाहते हैं, पहले टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करोगे। ये देखिए, कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है तो पहले आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, माउस का राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर पहले ही ऑप्शन मिल जाएगा कट, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए, इधर से हमारा टेक्स्ट वो अरेज हो चुका है। अगर और वीडियो वीडियो सॉरी यहाँ पर आप टेक्स्ट में जहां पर आप रखना चाहते हैं एमएस वर्ड में, उसको पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देखिए, मैंने इस पर क्लिक कर लिया, और इधर जाके आपने माउस का राइट क्लिक फिर से करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए पेस्ट ऑप्शन, पेस्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए, हमारा इधर पेस्ट हो चुका है। देखिए पहले ही था व्हाट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ रहा था, अगर और आप आपको देख रहेगा व्हाट आर द बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पर आपने कॉपी और टेक्स्ट को पेस्ट करना भी सीख लिया और कट करके पेस्ट करना भी सीख लिया। कट का मीनिंग, अगर आप टेक्स्ट को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह से आप पेस्ट करना चाहते हैं, वहां पर आप ऐसे कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट आपने सीख लिया है। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एमएस वर्ड को सीखने के लिए, और बहुत वीडियो आपको मिलती ही जाएंगी, आप कंप्यूटर को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। हम लंबी लंबी वीडियो नहीं बनाते, बहुत ही छोटी टाइम की वीडियो होती है, आप बोर नहीं होंगे इस वीडियो में, तो दैट्स वाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो।